हमने लक्ष्य रखा है बॉर्डर और कोस्टल एरिया के युवाओं के विकास, उसको भी सुरक्षा को केंद्र में रखते हुए विकास के मॉडल की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें एक कदम, एक बड़ा अभियान हम शुरू कर रहे हैं। हमारे जो बॉर्डर इलाके हैं, हमारे जो कोस्टल इलाके हैं, वहां के करीब 173 डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी न किसी देश की सीमा या समुद्री तट से जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में एनसीसी का विस्तार उन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों के लिए किया जाएगा। बॉर्डर एरिया के कैडेट्स को हम करीब करीब 1,00,000 नए एनसीसी के कैडेट तैयार करेंगे और उसमें 1/3 हमारी बेटियां हो, ये भी प्रयास रहेगा। बॉर्डर एरिया के कैडेट्स को सेना प्रशिक्षित करेगी, कोस्टल एरिया के जो कैडेट्स हैं उनको नेवी के लोग प्रशिक्षित करेंगे और जहां एयरबेस है वहां के कैडेट को एयरफोर्स की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी। बॉर्डर और कोस्टल एरिया को आपदाओं से निपटने के लिए एक ट्रेंड मैनपावर मिलेगा। युवाओं को आर्म फोर्सेस में कैरियर बनाने के लिए जरूरी स्किल भी मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष लाल किले से मैंने कहा था बीते 5 साल आवश्यकताओं की पूर्ति और अगले 5 साल आकांक्षाओं की पूर्ति के हैं। बीते 1 साल में ही देश ने बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों के पड़ाव को पार कर लिया है। गांधी 150 पर भारत ने गांवों को खुद को खुले में शौच से मुक्त किया है। आस्था की वजह से प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून, दलितों, पिछड़ों, ओबीसी के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण के अधिकार को बढ़ाने की बात हो, असम और त्रिपुरा में ऐतिहासिक शांति समझौता हो, फौज की सामूहिक शक्ति को और प्रभावी बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हो, करतारपुर साहब कॉरिडोर का रिकॉर्ड समय में निर्माण हो, देश ने इतिहास बनाया, इतिहास बदले देखा, असाधारण काम करके दिखाया। 10 दिन पूर्व अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। राम जन्मभूमि के सदियों पुराने विषय का शांतिपूर्ण समाधान हो चुका है। देश के लोगों ने जिस संयम के साथ और समझदारी के साथ आचरण किया है, व्यवहार किया है, यह अभूतपूर्व है और भविष्य के लिए हमारे लिए प्रेरणा का कारण है। शांति, एकता और सद्भावना, यही तो आत्मनिर्भर भारत की ताकत बनने वाली है। यही मेलजोल, यही सद्भाव भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। इसी सद्भाव के साथ हमें आगे बढ़ना है। विकास में के इस महायज्ञ में हर हिंदुस्तानी को अपनी कुछ न कुछ आहुति देनी है। इस दशक में भारत नई नीति और नई रीति के साथ ही आगे बढ़ेगा। जब साधारण से काम नहीं चलेगा, अब होती है चलती का वक्त चला गया, हमें दुनिया में किसी से कम नहीं, हम सबसे ऊपर रहने का प्रयास करेंगे। और इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ उत्पादन, सर्वश्रेष्ठ ह्यूमन रिसोर्सेज, सर्वश्रेष्ठ गवर्नेंस, हर चीज में सर्वश्रेष्ठ के लक्ष्य को लेकर के आजादी के 75 साल के लिए